तो कैलाश भाई अभी गिर गए थे, कहते हैं ना जो गिरते हैं वही उठते हैं, तो अभी कैलाश भाई फिर से गिर के उठ चुके हैं, तो अभी फिर से राइड के लिए रेडी। तो कैलाश भाई अभी राइड स्टार्ट करते हुए फिर से गिर गए हम पे, क्या बात है भाई। हमारे साथ मैम है जो कि नेपाल से है, तो मैम सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है मैम? मेरा शुभ नाम मीना है, हम नेपाल से आए हैं। जिस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देखेंगे कि ये लोग जो देखते हैं कि न्यूज में ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर बहुत अच्छी जगह है। ये जम्मू डिवीजन में आता है, मैं सिंपल टॉप जो है जम्मू डिवीजन में। ओके, यहाँ कोई चीज का कोई टेंशन नहीं है। यही आप यहाँ पे देख सकते हैं सुनो में ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंतन टॉप में आके कैसा लगा, और स्पेशली ये बर्फ कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से बच्चे? यहाँ यहाँ देखो, कहाँ से हो आप? मैं खड़गपुर से हूँ। तो क्या ना? और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये पैकेज वाले ज्यादातर ये स्पॉट बताते नहीं है, अगर ना भी बताए पैकेज वाले स्पॉट, तो यहाँ जरूर 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 आइएगा। भारत अपना देश है, हमारी पहचान, हमारी शान है, हमारी जान है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, थैंक यू। मेरे साथ मेरी फैमिली है। अच्छा अच्छा, तो आप सब, आप सबको सिंतन टॉप में आके कैसा लगा? दिस इज दी लाइफ टाइम, मतलब बोलते हैं ना कि हेवन, दिस इज एक्ट। तो दोस्तों नमस्कार, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिनगांव वैली में। तो दोस्तों आप सबको भी पता है कि काफ़ी टाइम से व्लॉग इस चैनल पे नहीं आया है, तो थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, थोड़ा काम भी होता है, तो फिर व्लॉग भी स्किप हो जाते हैं। व्लॉग तो बहुत सारे हैं फ़ोन में, पर एडिट करना, उसको टाइम, उसके लिए टाइम निकालना, वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। टाइम जो है ना मेन एडिटिंग के लिए वो देना पड़ता है। बनाना तो आसान होता है, पर एडिटिंग करना थोड़ा सा वो टफ होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग में, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। तो अभी यहाँ काफ़ी टाइम के बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो आज हम कैलाश भाई के साथ जा रहे हैं सिंतन टॉप, चिनगांव वैली से सिंतन टॉप, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम सिंतन टॉप को। तो अभी अपर हिल्स जो हैं वहाँ पे तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो हम स्नो भी आपको दिखाएंगे कि कितनी स्नो पड़ी है सिंतन टॉप। तो दोस्तों ये आप पार का जंगल देख सकते हो, कितना ही अद्भुत नज़ारा है, तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये पेड़ देख सकते हो आप, कितना ही घना जंगल है, तो ये बीच में से बहती हुई नदी, तो ये आप देख सकते हो, ये लास्ट विलेज है जम्मू रीजन का, जिसका नाम है वटसर विलेज। इसके बाद जो गांव आएगा वो श्रीनगर डिवीज़न में आएगा, जो कि पहला गांव आता है दिवस आता है। तो अभी हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, तो ये रही अपनी बिल्लो रानी। तो अभी हम चलते हैं पथरी मोड़ से सिंतन टॉप की ओर। कैलाश भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस आज फिर से हम बड़े टाइम के बाद टाइम निकाल के थोड़ा सा हम जा रहे हैं सिंतन टॉप की। बिल्कुल, आज काफी टाइम के बाद हम दोनों साथ में, जिनके बाद आज ये बिल्कुल मुकम्मल, आज संडे ही था, तो संडे थी, तो सोचा चलो धूप भी अच्छी थी तो चलते हैं, चलो आज बिल्कुल सिंतन टॉप को कराते हैं, और वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ प्रोग्राम भी रखा है, तो इसलिए हम वहीं पे जा रहे हैं। तो भाई आज फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि हम अक्टूबर एंडिंग पे जाने वाले हैं सिंतन टॉप, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पास है, बिल्कुल 12,000 को अभी हम जा रहे हैं हाईएस्ट माउंटेन पास सिंतन टॉप। तो चलिए अपनी राइड जो है हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिंतन मैदान, जो कि चिनगांव से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे एक बेकरी शॉप भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप गर्मा गर्म रोटी बनती है, तो ये आप देख सकते हो कश्मीरी रोट, कुलचा, लवासे, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाए। अभी शॉप के अंदर दिखाते हैं, और तंदूर में दिखाएंगे आपको कि गर्मा गर्म रोटियाँ कैसे बन रही हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं लवासे रमेश भैया के हाथ की, तो ये आप देख सकते हैं तंदूर कितना ही गर्म है, और कुछ रोटियाँ यहाँ पे निकाली हुई है, तो बिल्कुल फ्रेश रोटियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हमने दूसरे भाई को कहा कि हमारे लिए लिप्टन चाय बना दे, तो भाई लिप्टन चाय बनाने में लगे हैं। तो लिप्टन चाय पीने के बाद कैलाश जी हम कहाँ निकलेंगे? टॉप की तरफ। तो लिप्टन चाय पीने के बाद हम चलेंगे टॉप की ओर। तो चाचा चलो आप भी हमारे साथ टॉप की ओर, सिंतन टॉप चलोगे? चलो बस, चाचा भी रेडी हो गए, तो चाचा के साथ चलेंगे हम यहाँ से सिंतन टॉप। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा पीछे आए, तो हमने सोचा आपको भी सिंतन मैदान का जो व्यू है और ये बर्फीले पहाड़, तो इनका नज़ारा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, और ये बर्फीले जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बिल्कुल उस पर चादर बिछी हुई है ऊंचे पहाड़। तो भाई अभी हमने ले ली है गर्मा गर्म लिप्टन चाय और कुलचा, तो कैलाश भाई के हाथ में देख सकते हो गर्म, क्या फ्रेश कुलचा है। तो कैसी है चाय?
मस्त इस ठंड में लिप्टन चाय का मजा ही कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मजा आता है यार, मेरी तो फेवरेट है भाई चाय। तो भाई चलो चाय पी के हम निकलते हैं सिंतर मैदान की ओर, वहाँ पे भी कुछ तो चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी हम लिप्टन चाय पीने के बाद निकलेंगे सिंतर मैदान की ओर, तो वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है जो कि इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वहाँ भी दिखाएंगे हम क्या प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हमने ऊपर से देखे, तो हमने सोचा थोड़ा सा नीचे भी चल लेते हैं सिंतर मैदान की ओर और दिखाएंगे वहाँ का वहाँ पे भी क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं हम नीचे सिंतर मैदान की ओर। तो दोस्तों अभी हम सिंतर मैदान में नीचे आए थे, यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कुछ प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराया हुआ था, जो कि ट्रैक कराई थी पथरी मोड़ से सिंतर मैदान तक। तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी बच्चे जा रहे हैं सिंतर टॉप की ओर, जहाँ पे कि स्केटिंग वगैरह भी होने जा रही है। तो चलिए हम भी चलते हैं अब सिंतर टॉप की ओर, तो देखते हैं वहाँ पे जो स्केटिंग है, तो लेते हैं स्केटिंग का मज़ा। तो कैलाश भाई थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हमें ना, वो यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, ये यहाँ से ट्रैकिंग करके आए हुए लोग, तो यहाँ पे प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई नहीं, हमें इस प्रोग्राम का तो कोई भी आइडिया नहीं था जो कि इंडियन आर्मी ने कराया हुआ था। हमें तो खाली इतना पता है कि सिंतर टॉप में जो स्केटिंग का प्रोग्राम है तो वहाँ पे होने वाला है, तो उस प्रोग्राम के बारे में हमें पता था। तो अभी हम चलते हैं, अक्टूबर का महीना है तो पहाड़ों पे बिल्कुल थोड़े से बादल आ जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे मौसम जो है वो चेंज बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम ऊपर से बाइक पे है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी, अभी तो उतनी ठंड नहीं लग रही है क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप है। तो अभी हम चलते हैं सिंतर मैदान से सिंतर टॉप की ओर, तो कृष भाई चलते हैं फिर। ओके भाई चलते हैं। ओके तो मिलते हैं अभी हम सिंतर। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सिंतर मैदान से एक मोड़ ऊपर, तो हमने ये डिसीजन किया कि हम अपना कैंपिंग टेंट जो है वो यहीं पे लगा देंगे, तो यहाँ पे मौसम भी ठीक है, तो फिर टॉप पे जाएंगे, सब बैग वगैरह हम जो अपने हैं वो यहीं पे रखेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ मित्र लोग मिल चुके हैं जो कि हमारे चिनगाम से ही हैं, तो ये भी सिंतर की ओर जा रहे हैं। तो कैसा मज़ा आ रहा है रवि भाई? आप मज़ा आ रहा है, तो धूप अच्छी है तो अच्छा मज़ा आ रहा है। तो अभी हम अपना जो कैंपिंग टेंट है वो पिच कर देते हैं, तो अपना सामान जो है हम कैंपिंग टेंट के अंदर ही रख देंगे, तो फिर चलेंगे हम सिंतर टॉप की ओर। तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे क्योंकि ठंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट हम अपना जो कैंपिंग टेंट है वो यहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों अभी जो हमने अपना कैंपिंग टेंट है वो यहाँ पे लगा दिया, ये है रोहित भाई और रवि जी जो कि चिनगाम से हैं, तो इन्होंने भी हेल्प की हमें अपना जो कैंपिंग टेंट है वो लगाने में। तो जो भी हमारे साथ सामान था वो हमने यहीं पे रखा, तो खाने पीने की चीज़ें मैगी लाई है, पनीर लाई है, तो वो टॉप से आते समय हम यहीं पे बनाएंगे और पूरा दिखाएंगे हम कैंपिंग कैसे करते हैं, डे कैंपिंग। आज की जो कैंपिंग होने वाली है वो डे कैंपिंग है। तो टॉप से होते हुए फिर वापस आएंगे, फिर जाके हम यहीं पे खाना बना के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे हम चिनगांव वैली की ओर। तो अभी हम चलते हैं सिंतर मैदान से सिंतर टॉप की ओर, तो चलिए अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम सिंतर टॉप के एक दो मोड़ नीचे पहुंचे हैं, यहाँ से सिंतर टॉप 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हो कि बर्फीले पहाड़, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। नीचे घर से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे स्नो बहुत ही कम है, तो भाई यहाँ पहुँच के तो ऐसा लग रहा है तकरीबन 2 से 3 फीट के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सिंतर टॉप और आप यहां का वेदर देख सकते हैं और बर्फ़ देख सकते हैं भाई, कितनी बर्फ़ है यहां पे, तो तकरीबन 3 से 4 फीट यहां पे बर्फ़ है। तो काफ़ी सैलानी यहां पे आए हुए हैं, तो हम यहां पे जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको सिंतर टॉप में आके कैसा लगा। तो पहले तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ सिंतर टॉप का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कितने ही सैलानी यहाँ पे आए हुए हैं
और बर्फ भाई बर्फ तो बहुत ही है। कुछ बच्चे तो स्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी सभी स्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंथन टॉप में अभी हम मौजूद है, तो काफ़ी मस्त नज़ारा है सिंथन टॉप में। तो ये आप देख सकते हो। हमारे साथ मैम है जो कि नेपाल से है। तो मैम सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मैम मेरा शुभ नाम मीना है। अच्छा। हम नेपाल से आए हैं जी। तो आपको यहाँ पे सिंथन टॉप में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज जैसे मौसम था उस हिसाब से हमें लगा कि बर्फ है ही नहीं, बट यहाँ पे अच्छा था बर्फ, तो एंजॉय किया हमें, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो ठीक है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देखेंगे कि ये लोग जो देखते हैं कि न्यूज में ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है। ये जम्मू डिवीजन में आता है। मैम टॉप जो है जम्मू डिवीजन में आता है। ओके ओके। यहाँ कोई चीज का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ सारे हेल्पफुल है, कोई टेंशन। ओके थैंक यू मैम बात करने। मायसेल्फ जितिन राजपाल, मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के पास खड़गपुर है। जी जी जी। तो ये जो है मतलब कसौली, एक्चुअली दिस इज द हेवन। तो सिंथन टॉप स्पेशली आपको कैसा लगा? सिंथन टॉप मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हो सकता है। तो इससे पहले कभी आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, मैं अभी पहले कभी विजिट नहीं किया हूँ। अच्छा। बट दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिट। मैंने रोहतांग किया है, मैंने नथुला पास, ये जो बेस्ट प्लेस है नो डाउट। मेरे साथ मेरी फैमिली है। अच्छा अच्छा। तो आप सब, आप सबको सिंथन टॉप में आके कैसा लगा? दिस इज द लाइफ टाइम, मतलब बोलते हैं ना कि हेवन, दिस इज एक्चुअली हेवन। चलो थैंक यू। नो डाउट दिस इज हेवन, दिस इज इंडियाज हेवन, मतलब इंडिया रॉक। जय हिंद। किसको जय, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चलो विजिट करिए, इम्पोर्टेंट विजिट करिए। आई लव इंडिया। कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरे पापा। आई लव इंडिया, आई एम द फादर। यस, ये मेरे पापा हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके पापा। वेरी मजा आ गया। चलो ठीक है। थैंक यू भाई, बात करें। आई लव यू ऑल। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुनो में ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंथन टॉप में आके कैसा लगा, और स्पेशली ये बर्फ कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से बच्चे? यहाँ देखो, कहाँ से हो आप? मैं खड़गपुर से हूँ। तो क्या नाम है आपका? येशा। आपका क्या नाम है? नहीं, चलो ठीक है, काफी अच्छा लगा बच्चों से बात करके। तो अभी हम चलते हैं यहाँ की ओर, तो और भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात। यहाँ पे सर मिले हैं, तो इनसे भी जान गया हम सिंथन टॉप में आके कैसा लगा। तो सर सबसे पहले आपका शुभ नाम, और आप कहाँ से हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ, संजय गुप्ता मेरा नाम है। अच्छा। और हमने कश्मीर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ऑन द ओकेजन ऑफ आवर 25th एनिवर्सरी। ओके 25। तो हमने दुबई जाने के बजाय और स्विट्जरलैंड जाने की जगह हमने कश्मीर आना, अपना देश में घूमना ज्यादा अच्छा समझा। अच्छा। और यहाँ के अच्छा भी बहुत लगा। अच्छा। कल आरू वैली, बेताब वैली देखी, उसमें भी दिल बहुत खुश हुआ, और यहाँ आके तो दिल बाग बाग हो गया है जी। बिल्कुल सिंथन टॉप में आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस। आके इस जिला किश्तवाड़ में आके बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया जी। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये पैकेज वाले ज्यादातर ये स्पॉट बताते नहीं है। अगर ना भी बताए पैकेज वाले स्पॉट, तो यहाँ जरूर 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 आइएगा। भारत अपना देश है, हमारी पहचान, हमारी शान है, हमारी जान है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, थैंक यू। जो स्नो स्केटिंग होने वाली है, तो हमने अपनी जो अभी स्केटिंग शूज है वो पहन लिया, तो अभी हम राइड स्टार्ट करेंगे स्नो स्केटिंग। तो अभी हम अपनी राइड जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही कंडीशन पाक नहीं है कोई गिनता हैं, और स्टैंड फेल हो चुकी है, संदीप जी गिर चुके हैं, बर्फ का आनंद लेते हैं। होने के बाद भी आप देख सकते हैं कहां से आप सब आए हैं। वन मोर। तो ये हमारे साथ कैलाश भाई हैं, तो अभी स्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कैलाश भाई स्टार्ट करिए अपनी भाई। तो भाई ये आप देख सकते हैं पूरा प्रो भाई। कैलाश भाई अभी गिर गए थे, कहते हैं ना जो गिरते हैं वही उठते हैं, तो अभी कैलाश भाई फिर से गिर के उठ चुके हैं, तो अभी फिर से राइड के लिए रेडी। तो कैलाश भाई अभी राइड स्टार्ट करते हुए फिर से गिर गए हम पे, क्या बात है भाई। तो भाई ये देखिए प्रैक्टिस, भाई इसे कहते हैं प्रैक्टिस। भाई काफी ज्यादा मजा आया था, इतना सोचा भी नहीं था इतना मजा आएगा भाई, बहुत ही मजा आया। तो आप सबको कैसा मजा आया भाई? लोग
बहुत ज्यादा मजा आया। तो यहाँ पे रश भी नहीं था, अच्छे से स्केटिंग की है हमने दिल खोल के भाई, मजा आ गया भाई को। तो अभी हम चलते हैं सिंटर मैदान, जहाँ पे आपने अपना कैंपिंग टेंट जो है वहाँ पे लगाया हुआ है। तो अभी भूख भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, वहाँ पे मैगी हो गया, पनीर बनाएंगे, तो खाना खा के हम चलेंगे चिल्का वैली की ओर। तो अभी हम चलते हैं सिंटन टॉप से सिंटन मैदान की ओर। पहुंच चुके हैं अपने कैंपिंग टेंट जो है जहाँ पे हमने लगाया हुआ, वहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं आग जलाने का जुगाड़ भाई। तो दोस्तों यहाँ पे आग जलानी काफ़ी मुश्किल जो टास्क होता है वो आग जलानी यहाँ पे रहती है। तो हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बूटेन था, तो अभी हमने लकड़ियों के नीचे यही रखा, तो जब तक थोड़ी सी आग लग जाए इन लकड़ियों में फिर तो बिल्कुल हम इसको हटा देंगे और इसी पे मैगी बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आग जलाने का जुगाड़। तो भाई अभी देख सकते हो अभी हम कहाँ पे हैं, ये भाई लोग मेरे साथ में और इस साइड में अपना कैंपिंग टेंट जो है, और ये नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा चिंतन मैदान का खूबसूरत नज़ारा। भाई आज तो हरा भरा नहीं है जो कि गर्मियों में होता है, जैसे हरियाली होती है, आज थोड़ा रुखा सूखा सूखा लग रहा है। तो आप ये नीचे का व्यू चेक कर सकते हैं, कितना ही शानदार व्यू है। और ये पहाड़ी आप जो आगे देख सकते हो, एक पहाड़ी के आगे दूसरी पहाड़ी, ये भाई क्या मनमोहक नज़ारा है। भाई आप देख सकते हो अभी प्याज काटने की तैयारी, इसके बाद टमाटर काटने हैं, तो फिर उसके बाद हम जो अपनी मैगी है तो वो बनाएंगे। अभी पहले प्याज काट लेते हैं और उसके बाद अपने टमाटर, भाई एक भेजा वहाँ पे पानी लाने के लिए, तो वो वहाँ से पानी लाएगा, फिर टमाटर धो के फिर बनाएंगे हम मैगी। कैलाश भाई क्या जला जला बूटे, ठंड लगी है, देखो जुराब भी निकाल दिए हैं, जुराब फेंका हुआ है बंदा हमारा, देखो कहाँ पे पानी लाने के सामने भाई, मजा आ रहा है भाई पानी लाने के लिए, बंदा देखो कितनी दूर भेजा है, और ऊपर से गैलन नहीं है, पॉलीथिन का ठेला है, वो जगह भी कम लेता है यार, तो इसलिए ये चीज़ें कैंपिंग में मतलब होनी चाहिए। तो ये हम पॉलीथिन जो है हमारे पास जो बचा है ये आग में जलाएंगे, ना कि हम गंदगी फैलाएंगे, तो ये हमने जो पॉलीथिन है वो यहाँ पे जला देंगे। और जो प्याज के छिलके हैं वो तो जो इन्वायरमेंट है उसमें तो मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हमने ये छिलके यहीं फेल दिए। आग जल रही है, क्या मस्त आग जल रही है। तो भाई ने वहाँ से 10 लीटर पानी भर के लाया, तो ये आप जुगाड़ फेंक सकते हो भाई, पानी का कैन क्या है, ये फोल्डेबल है, बैग में हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो अभी हमने अपना थर्माकोल जो है वो यहाँ पे बिछाया हुआ है, तो नीचे आप व्यू देख सकते हो सिंटर मैदान का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है कैलाश जी। तो भाई ये आप देख सकते हो भाई लोग यहाँ पे प्याज टमाटर काटते हुए, तो ये साइड में अमूल दूध भी सामने रखा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा चिल भी कर लेते हैं, थोड़ा अमूल दूध पी लेते हैं। तो भाई कैलाश भाई इस साइड हमारे शेफ जो है कैलाश भाई हैं, आज का खाना जो है वो कैलाश भाई बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हो अभी कैलाश भाई यहाँ पे हमने बूटेन लगा दिया है, तो इस पर ये खाना बना रहे हैं। तो भाई इस साइड में आग जल रही है और इस साइड में प्याज टमाटर कटे जा रहे हैं। तो भाई ये आप कैंपिंग लोकेशन जो है वो देख सकते हैं कहाँ पे हैं, बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में ही हमने यहाँ पे अपना कैंपिंग टेंट है वो यहाँ पे लगाया है, और हमारी बाइकिंग जो है एक साइड में है और दूसरी बाइक जो है उस साइड में है। तो ये रवि भाई और रोहित भाई यहाँ पे प्याज टमाटर काट रहे हैं बड़ी स्पीड से, तो कैलाश भाई मज़े ले रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं अभी हम दूध पूछ ही रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे भाई लोग मिले हैं, अंकल जी मिले हैं जो कि सिंटन टॉप से अभी आ रहे थे, तो इन्हें देखा ये भी चिंगाम के ही हैं, तो सभी यहाँ पे मिले। तो अभी आग का मज़ा लेते हुए सभी लोग ये पीछे देखते हैं अपना कैंपिंग टेंट। तो आप कहाँ तक गए थे, कहाँ तक गए थे, तो कैसा मज़ा रहा, कैसा मज़ा आया आपको सिंटन टॉप में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका सिंटन टॉप? बहुत बढ़िया मज़ा रहा। चलो ठीक है, कैलाश भाई अंदर मैगी बना रहे हैं। तो कैलाश भाई ये आप देख सकते हो कलर, भाई क्या बात है भाई, कैलाश भाई के हाथों में जादू है भाई, ज़बरदस्त मैगी बना रहे हैं कैलाश भाई। कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे अभी, तो फटाफट मैगी बना दो, खाना खा के चलते हैं। भाई कैंपिंग में यही फायदा होता है कि हर जगह मतलब मिलजुल के काम करना है, जब भी आप कैंपिंग में जाओ तो सबने जो भी टीम होती है मिलजुल कर काम करना है। तो अभी मैं पनीर काट रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मैगी पनीर, और क्या है भाई मैगी के साथ ब्रेड भी लाए हैं, ब्रेड भी लाए हैं ना, ब्रेड है, रोटी है, ब्रेड नहीं है लवासे है, लवासे विद बटर, हमने ब्रेड भी लाए हैं भाई, हमने लवासे विद बटर, तो सही है। पर मैगी रेडी हुई अभी नहीं, कितना टाइम लगेगा बचा? एक मिनट में रेडी हो जाएगी।
तो मैगी मैंने सुना है मैगी बनने में तो टोटल 2 मिनट लगता है, आपने तो आधा घंटा लगा दिया भाई, तो क्या इसका क्या? मैगी थोड़ा स्पेशल मैगी है, ये वो 2 मिनट वाली नहीं है। अच्छा स्पेशल मैगी बनने जा रही है तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा है ना। ओके तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे इसमें आपने क्या क्या जो मसाले डाले हुए हैं, क्या क्या मसाले डाले हैं? मसाले इसमें कश्मीरी मसाला है। तो ये आप देख सकते हैं भाई मुँह में पानी आ रहा है यार, तो बेहद ही बेसब्री से मैगी का वेट हो रहा है। साइड में हमारी जो खीरा है वो कट रही है, तो भाई इस साइड में आग जल रही है और ये बटर, तो भाई रवि भाई यहाँ पे लवासू पे बटर लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारी मैगी जो है वो सर्व हो रही है, कैलाश भाई मैगी डाल रहे हैं प्लेटों में, तो ये सामने देख सकते हैं आप आग जल रही है। तो अभी हमारे साथ एक नए और सदस्य जुड़ चुके हैं रवि भाई, तो इस साइड में छोटे रवि और इस साइड में बड़े रवि, तो ये रोहित तो कैलाश और मैं, तो अभी हम 5 बंदों की टीम बन चुकी है, तो अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैगी हमारी डल चुकी है जो कि कैलाश ने सर्व कर दी है, तो भाई मैगी का कलर देख सकते हो आप कितना ही डिलीशियस है, मैगी पनीर टमाटर प्याज। तो अभी कैलाश भाई टेस्ट करेंगे तो बताएंगे फिर कैसी बनी है मैगी। ये आप देख सकते हो लवासुम पे बटर लग रहा है। तो रवि भाई कैसी बनी है मैगी? चलो ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई बटर वाले लवासे इन पहाड़ों में, भाई इन पहाड़ों में ना मैगी खाने का अलग ही मज़ा है। तो अभी हम मैगी स्टार्ट करते हैं, तो भाई पहाड़ों में ना मैगी खाने का एक कुछ अलग ही मज़ा है। ये आप देख सकते हो मैगी और ये हमारे साथ भाई लोग, कैसा बना है भाई, कैसी बनी है मैगी रोहित भाई? बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। अभी तो आपने टेस्ट नहीं किया ऐसे बढ़िया बढ़िया फिर टेस्ट करके देखने में इतनी बढ़िया लग रही है। नहीं वो तो है बिल्कुल, देखने में तो बढ़िया लग रही है, अभी टेस्ट किया आपने कैसी लगी? चलो ठीक है अभी हम भी खा लें। तो हमने जो अपना कैंपिंग इक्विपमेंट थे जैसे कि हमारा कैंपिंग टेंट था, बाकी जो सामान था वो हमने फोल्ड कर लिया है, तो इस साइड में देख सकते हो भाई लोग आग सेक रहे हैं, भाई लोग तो इसी में मज़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर आना, ये देखिए आग बीच में क्या मज़ा आ रहा है इन बर्फीले पहाड़ों में, ये आग और मैगी कितना मज़ा आता है भाई। तो कैसा रहा आज का आपका ये ट्रिप कैलाश भाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा मज़ेदार रहा, काफ़ी मज़ा आया भाई। स्पेशली मुझे मज़ा तो सिंटन टॉप में आया, जो हमने स्केटिंग की ना वहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आया, वहाँ पे टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, तो अभी हम थोड़ी देर आग वगैरह सेक लेंगे, तो उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, तो अभी हम निकल रहे हैं सिंदन मैदान से चिनगांव वैली की ओर। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको हमारा व्लॉग ये कैसा लगा, ताकि हम आगे भी आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। तो अभी हम चलते हैं सिंदन मैदान से चिनगांव वैली की ओर, टाटा बाय बाय।